क्या आप अपने फाइनेंशियल गोल के बहुत ही पास हैं? क्या आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं? अगर मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है तो आपको एंग्जाइटी अटैक आते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अच्छा रिटर्न भी चाहिए। अगर आपका आंसर इन सब चीज़ों को लेकर येस है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे। RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम नवंबर 2021 में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट और NRI दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली। किसी इंटरमीडियरी या ब्रोकर की जरूरत नहीं है। आप RBI की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर RBI डायरेक्ट का लिंक या फिर डायरेक्टली rbiretaildirect.org.in की साइट पर जाइए, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसे कहा जाता है रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट, और फिर आप उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए जो आपका मोबाइल नंबर जिससे लिंक्ड है, दूसरा पैन कार्ड चाहिए, तीसरा एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, और चौथी चीज जो आपको चाहिए वो रहेगा आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी। पर इम्पोर्टेंट सवाल, आप ऐसा करोगे क्यों? क्यों अकाउंट खोलोगे? माना उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, माना वो जो अकाउंट खुल रहा है RBI के पास खुल रहा है, बट आप ऐसा करोगे क्या? और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती किस लिए? देखिए, किसी भी इकोनॉमी में सबसे बड़ा बोरोअर सरकार ही होती है, चाहे वो अमेरिकन इकोनॉमी हो चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो। इससे पहले अगर मुझे किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करने पड़े, लेकिन अब 2021 के बाद से मैं एज एन इंडिविजुअल डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी भी देश में सबसे सेफ सिक्योरिटीज मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बैकअप होता है। देखिए, सरकार कभी कंगाल तो होगी नहीं, सरकार हमेशा टैक्स कलेक्ट कर सकती है। किसी भी तरह से सरकार ने अगर पैसा बोरो किया है तो उसको वापस करेगी ही करेगी, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सबसे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इनफैक्ट वो बेंचमार्क रहता है, अगर मुझे देखना है इन्वेस्टमेंट अच्छी है बुरी है, मैं कंपेयर करती हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे कितना रिटर्न दे रहे हैं, उसके ऊपर जो मुझे उसमें रिटर्न मिल रहा है मैं रिस्क उसी हिसाब से लूंगी, तो वो हमेशा बेंचमार्क माना जाता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। चलिए उसको कंपेयर करते हैं उसके कंपैरेटिव। मैं आज वेबसाइट पर जाती हूँ rbiretaildirect.org.in और उसमें जाती हूँ टेनोर वाइज इंडिकेटिव यील्ड या फिर रिटर्न कितना मिल रहा है, उस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसकी वेबसाइट पर इंडिकेटिव यील्ड दिख रहे हैं। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज है 6 सितंबर और ये जो इंडिकेटिव यील्ड्स आज दिख रही हैं वो 5 सितंबर की दिख रही हैं, कल की दिख रही हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो 91 डेज पर जो रिटर्न आ रहा है, यील्ड टिल मैच्योरिटी YTM बोला जाता है, वो आ रहा है 5.6%। अगर मैं 5 साल का देखूं तो ये देखिए सिक्योरिटी है, असम का स्टेट डेवलपमेंट लोन है, SDL है असम सरकार का, जो रिटर्न दे रहे थे 7.53% दे रहे थे, यील्ड टिल मैच्योरिटी 7.53% है। 10 ईयर्स का जो तमिलनाडु का स्टेट डेवलपमेंट लोन SDL कहा जाता है वो 7.6% का आपको रिटर्न दे रहा है। इसे कंपेयर करते हैं SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के FD रेट पर। SBI का FD रेट है 90 डेज का वो 3.9% है, बहुत रिटर्न, बहुत डिफरेंस हो गया, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं इसी को 5 ईयर्स का लेती हूँ तो 5 ईयर्स का 5.65% इंटरेस्ट रेट है, जबकि यहाँ पर मुझे मिल रहा है 5 ईयर्स का जो असम का गवर्नमेंट का स्टेट डेवलपमेंट लोन है जो 2027 में मैच्योर होगा वो मुझे मिल रहा है 7.53% पर। अगला प्रोडक्ट जिससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो गया PPF या सुकन्या समृद्धि, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। PPF में ऑफ कोर्स जो आपका रिटर्न है वो वैसे तो गवर्नमेंट ये जो GSEC है उसके साथ लिंक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस और बाकी रीजंस से PPF का इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा सा ज्यादा ही दिखेगा, लेकिन PPF में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो आप एक साल के अंदर कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर में वो है 1,50,000, जबकि इसके अंदर जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं
वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 10,000 रुपए मिनिमम अमाउंट से लेकर आप 2 करोड़ रुपए तक भी जा सकते हो। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अमाउंट है तो आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम आरबीआई की जो है उसका अकाउंट खुलवाकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरी बात कंपैरिजन अगर मैं करूंगी तो वो होगा डेट म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स में भी आप डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स जो स्कीम्स हैं वो कॉर्पोरेट्स जो लेते हैं, जो लोन लेते हैं, उनके जो पेपर्स निकलते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली इसको कंपेयर करूं तो दो चीजें हैं। पहली चीज, म्यूचुअल फंड में मुझे एक एक्सपेंस रेशियो होता है वो देना होगा। उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड है उसमें हो सकता है उसको खरीदने के लिए आप डीमैट अकाउंट से खरीद रहे हो या आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा रहे हो, तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग या फिर जो म्यूचुअल फंड अकाउंट होता है उसके भी हो सकता है चार्जेस हो, क्योंकि फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो बॉन्ड प्राइसेस जब ऊपर नीचे होते हैं खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो इस पर रिटर्न आपको थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं। ये हो गए 3 चीजें जिनके साथ मैंने कंपेयर किया। एक था बैंक की FD, दूसरा था PPF और तीसरा है म्यूचुअल फंड डेट। इस इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टैक्सेशन। तो जो भी इंटरेस्ट या कूपन आप इस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट में अर्न करोगे वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, और जिस भी आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे कि किसी भी FD में भी होता है। दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए मैंने 5 साल का बॉन्ड लिया था लेकिन मैंने उसको बीच में बेच दिया, मैच्योरिटी का वेट नहीं किया, हेल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं किया उसको, तो उसके केस में मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, उसमें अगर जो भी कोई प्रॉफिट होता है मुझे तो उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद मैं बेच रही हूँ तो मुझे या तो 10% या फिर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी कॉस्ट प्राइस को एडजस्ट करके फिर उसका बेनिफिट ले सकती हूँ। अब आते हैं इस स्कीम की फीचर्स के ऊपर। आपने वेबसाइट पर जाकर अकाउंट खुलवा लिया तो अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हो। 4 तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हो। पहली इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की T-bills। T-bills टिपिकली 91 डेज से लेकर 364 डेज के टेन्योर या पीरियड की होती है। उसके बाद सेकेंड जो टाइप की इन्वेस्टमेंट है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब उस सिक्योरिटी का जो 1 साल से ज्यादा होता है, 40 ईयर्स तक भी जा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि 40 सालों में इंडिया की बड़े बड़े कंपनीज इंफोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक ये कहाँ पर होंगी नेक्स्ट 40 ईयर्स में, लेकिन इतना मुझे पता है कि हिंदुस्तानी सरकार तो कहीं नहीं जा रही है नेक्स्ट 40 ईयर्स में, तो इसलिए वो 40 ईयर्स तक के अभी टेन्योर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज निकाल सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको हर साल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज में एक कूपन या इंटरेस्ट जो है वो एनुअली या फिर बाय एनुअली साल में 2 बार आपको मिलता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट अभी अवेलेबल है। तीसरा होता है विच इज कॉल्ड एज स्टेट डिवेलपमेंट लोन, SDL। जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जब लोन चाहिए होता है तो वो SDL निकालती हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले जो दिखाया वो असम गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना स्टेट डिवेलपमेंट लोन्स डाले हुए थे। SDL में टिपिकली जो NRIs होते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं स्कीम टू स्कीम टाइम पे, बट जनरली नहीं कर सकते। और चौथा तरह का इन्वेस्टमेंट है वो है गोल्ड बॉन्ड्स, जिसके अंदर मैं फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो 10,000 से शुरू होता है और आप ज्यादा से ज्यादा 4 किलो तक का सोना खरीद सकते हो। बेनिफिट ये है कि आप अगर मानते हो, आप विश्वास करते हो कि गोल्ड की प्राइसेस आगे बढ़ेंगी, तो फिजिकल गोल्ड अगर आप ले रहे हो तो उसके सिक्योरिटी का टेंशन है, मैं उसको लॉकर में रखूं। अगर आप बैंक के लॉकर में रख रहे हो तो आपको लॉकर का रेंट देना है हर साल, घर में रख रहे हो तो चोरी का डर रहता है। अगर आपने फिजिकल गोल्ड लिया है ज्वेलरी के फॉर्म में तो उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस वो चार्जेस। बॉन्ड्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो कागजों पर है, लेकिन अगर जब वो मैच्योर होगा, जो भी टाइम रहेगा, जो स्कीम निकलती रहती है उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका मतलब फिजिकल बनवाई के चार्जेस, जो मेकिंग चार्जेस वगैरह वो सब नहीं पड़ेंगे।
डीमैट मटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब आरबीआई के पास ही आपका एक तरह का डीमैट अकाउंट खुलता है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको दिखेगा कि मेरे पास इतना सोना है। प्रोसेस कैसे होता है, सिस्टम कैसे होता है, मैंने अपना अकाउंट खोला, उसके बाद मैंने लॉगिन किया, वहां पर मुझे दिखेगा कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, मैं उसको बिड कर सकती हूँ, उसकी प्राइस लगा सकती हूँ कि मुझे कितना प्राइस में वो खरीदना है, और फिर उसके बाद उसकी ये हमारे जो बिडिंग रहेगा इंडिविजुअल्स का वो नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग रहेगा, मतलब मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि असल में गवर्नमेंट को हम कितना इंटरेस्ट देंगे। मैंने जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट प्लेस की, साथ के साथ यूपीआई के थ्रू ब्लॉक हो जाएगा या फिर मेरा नेट बैंकिंग में मेरा अमाउंट जितने की मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ प्लस एक छोटा सा मार्कअप, वो अमाउंट मेरा ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद सब जने ऑक्शन होती है उसकी, मतलब ऑक्शन मतलब बोली लगती है, सब जने जो बैंक्स हैं, बाकी प्राइमरी डीलर्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज वगैरह, ये सब लोग कहते हैं कि हम कितने पे खरीदेंगे, उससे एक प्राइस तय होती है, उस हिसाब से आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपको जो सिक्योरिटीज हैं वो टिपिकली 2 working days में, मतलब अगले दिन आपको आरबीआई का जो आपने अकाउंट खोला हुआ है अपना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, उसके अंदर वो सिक्योरिटीज नजर आने लगेंगी। एक बार अगर आपको सिक्योरिटीज नजर आती हैं तो आप उनको हेल्ड टिल मैच्योरिटी कर सकते हो, मतलब आपने 5 साल का कोई गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा तो आप 5 साल तक उसको पड़े रहने देंगे, हर साल आपको कूपन आएगा, इंटरेस्ट आएगा और मैच्योरिटी पर आपको आपका प्रिंसिपल वापस हो जाएगा। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसके अंदर आप उसको सेकेंडरी मार्केट में इसी प्लेटफॉर्म पर बेच भी सकते हो। सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ, मान लीजिए मैंने 5 साल का एक बॉन्ड खरीदा है लेकिन मुझे 3rd साल पैसे की जरूरत पड़ गई तो मैं इस बॉन्ड को बेचने जाऊंगी। अब मान लीजिए मैंने जो बॉन्ड खरीदा था 5 साल का, उसका जो कूपन है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मिल रहा था 7% पे। 3 साल के बाद जब मैं उसको बेचने गई, उस समय क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा था, यूएसए में रिसेशन चल रहा है, XYZ कुछ भी हो सकता है 3 सालों में, तो उस बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हुआ है। मतलब अगर कोई आज उस 3 साल के बाद कोई 2 साल के टेन्योर का पीरियड वाला बॉन्ड खरीदने के लिए जाएगा तो उसको वो 8% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो कोई मेरा 7% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा। इसीलिए अगर मैंने 100 रुपए का वो बॉन्ड खरीदा था, फेस वैल्यू उसकी 100 रुपए थी, तो मुझे उसे थोड़ा डिस्काउंट पे, थोड़ा कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा ताकि उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से ये मैं चल सकूं। मतलब अगर मुझे उसमें खेलना है, उसमें मुझे खरीदना है और बेचना है, बीच में लिक्विडिटी चाहिए, तो शायद ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इस स्कीम में ट्रबल में रहेंगे क्योंकि एक तो अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत मार्केट अभी बड़ी नहीं हुई कि रिटेल इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज को आसानी से बेच पाएं, तो लिक्विडिटी इशू रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको पैसा चाहिए होगा तो डेट म्यूचुअल फंड शायद आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर आपका जो फाइनेंशियल जो गोल है वो फिक्स्ड है, आप स्ट्रैटेजिकली चलते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीशंस बहुत आसान नहीं होते, इट इज़ ओके अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले रहे हैं और अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस स्कीम को आप डायरेक्टली जाकर और पढ़ सकते हो और अपने डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आप चाहते क्या हो अपने इन्वेस्टमेंट के, फिर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।